Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar? No, Papa. Telling lies? No, Papa. Open your mouth. A touch of frost. और गाइस क्या हाल है? फ्रीक नील्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इसेकाई एनीमे के बारे में। इस दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको हमारी ये वाली रियलिटी अच्छा नहीं लगता, स्ट्रेसफुल लगता है, इसलिए वो एक बेटर रियलिटी की तलाश में ऐसे इसेकाई एनीमे से खोए रहते हैं। इसी के चलते ये इसेकाई कंटेंट लाइट नोवेल कहो या फिर एनीमे कहो भर भर के कंज्यूम करते हैं। जैपनीज एनीमे स्टूडियो भी इसका फायदा उठाती है और इसी के चलते पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इसेकाई एनीमे प्रोड्यूस हुआ है और हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, वो लोग मैं हूँ। हाँ, सच बताओ तो ऐसा कोई इसेकाई एनीमे नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, मैंने सब इसेकाई एनीमे देख रखा है। सारे इसेकाई एनीमे देखने के बाद मैं ये कंक्लूजन में आया हूँ कि तीन तरीके की इसेकाई एनीमे होते हैं। गुड इसेकाई एनीमे विद गुड स्टोरी एंड एनिमेशन, मीडियोकर इसेकाई एनीमे एंड ट्रैश इसेकाई एनीमे। पर कुछ कुछ इसेकाई एनीमे ऐसा भी होता है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसको पेसिंग से और बुरी एनिमेशन और बुरी राइटिंग से बहुत गंदी तरह से बुजर किया जाता है। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक इसेकाई एनीमे की बात करूंगा जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था और अगर ठीक से लिखा जाता तो ये शायद अटैक ऑन टाइटन या प्रॉमिस नेवरलैंड का पोटेंशियल दिखा सकता था। सीजन वन वाला, सीजन टू नहीं। मैं बात कर रहा हूँ बुदारेबा द मैन टर्न्ड इनटू ए पिग की। ये क्या बात करता है यार? हाँ पता है, अभी तो मुझे गालियाँ दे रहे हो और शायद ये वीडियो क्विट करके जाने की भी सोच रहे हो, पर सबर रखो और मेरी बात सुनो। तुम्हें इसका इमेज देख के लग रहा होगा एक इंसान सुअर बन गया इसेकाई एनीमे में, इसमें इतना खास क्या ही हो सकता है, ऑर्डिनरी हारेन और फैन सर्विस कॉन्सेप्ट ही होगा। पर ये एनीमे बहुत डार्क है, अगर ठीक से हैंडल किया जाता तो ये एक बेस्ट इसेकाई एनीमे हो सकता था। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका प्लॉट एक्सप्लेन करूंगा और इसका गुड एंड बैड तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होता है हमारे प्रोटैगोनिस्ट से, जिसका नींद टूटता है। वो अपने आप को पाता है एक पिग फार्म पे। वो सोचता है कि उसकी तरह एक हाई स्कूल स्टूडेंट इस पिग फार्म में क्या कर रहा है। तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उस पिग फार्म पे पिग्स को खाना खिलाने आई है। अपने शरीर को हिला ना पाने की वजह से वो उस लड़की से मदद मांगता है, पर एक अजीब सा आवाज के अलावा और कुछ नहीं निकलता। बट टू हिज सरप्राइज वो लड़की उसके मन की बात को जान लेती है और वहां से खींच के उसको बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद हमारे प्रोटैगोनिस्ट को पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं, उस पिग फार्म का ही एक पिग है। थोड़ी देर बाद हमारे पिग प्रोटैगोनिस्ट के साथ उस लड़की की कॉन्वर्सेशन होती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जेस है और वो हाउस किल्थरीन की एक मेड है। हमें और पता चलता है कि जेस एक येथमा है और येथमास अपने माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी वजह से जेस को पता था कि पिग एक ह्यूमन है जो एक पिग की बॉडी में फंसा हुआ है। टेक्स्ट बुक माइंड रीडिंग, एक येथमा को हम पहचान सकते हैं उसके गले में सिल्वर कॉलर की मदद से। इसके बाद जेस और पिग के बीच में बहुत सारे बातें होता है और पिग लिटरली सुअर जैसा हरकत करता है। जानवर सुअर नहीं, इंसानी सुअर। ऐसे ही पिग और जेस के बीच में दोस्ती होती है और उनकी बॉन्डिंग गहरी होती है। जेस पिग को बोलती है अगर पिग फिर से अपना ह्यूमन बॉडी में वापस आना चाहता है तो पिग को रॉयल कैपिटल चलना पड़ेगा और किंग से बात करना पड़ेगा। और यही दोस्तों प्लॉट डार्क होना शुरू होता है। पिग को पता चलता है कि कुछ लोग जेस को मारने की कोशिश कर रहा है। परिचालाकी से पिग फिर जेस को उन लोगों से बचा लेता है और फिर जेस उसका सारा राज पिग को बताती है। पिग को पता चलता है कि 8 साल की उम्र में येथमास को बड़े बड़े नोबेल हाउस होल्ड में एज ए मेड बेचा जाता है। जब उनका उम्र 16 साल हो जाता है तब उनको हाउस होल्ड छोड़ के अकेले अकेले रॉयल कैपिटल तक ट्रैवल करना पड़ता है। कहीं येथमा तो रॉयल कैपिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही उनकी मौत हो जाता है। और जो येथमा एक बार रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है वो और कभी दिखाई नहीं देती। रॉयल कैपिटल पहुंचने के बाद उनके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। पिक और पता चलता है कि जो कॉलर येथमास के गले में होता है या फिर जेस के गले में है उसमें बहुत सारा मैजिकल पावर होता है और वो हाई प्राइस में बेचा जा सकता है। और वो कॉलर
यतमास की बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ उनकी गले को काट के ही निकाला जा सकता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, यतमास की बॉडी पार्ट्स को भी हाई प्राइस में बेचा जा सकता है। इसलिए जितना दिन यतमा एक हाउस होल्ड को सर्व करती है तब तक वो सुरक्षित रहती है, पर जब वो जर्नी के लिए निकल पड़ती है हाउस होल्ड को छोड़ के, तब यतमा हंटर्स उनको हंट करके उनको मार के उनकी बॉडी पार्ट्स और कॉलर को बेच देता है। और यतमा को मारने से पहले उनके साथ आर वर्ड किया जाता है, मैं पूरा नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, तुम लोग समझ ही गए होगे। पिक को समझ में आता है कि थोड़ी देर पहले जो लोग जेस को मारने की कोशिश कर रहे थे वो लोग यतमा हंटर्स ही थे। ये सब सुनने के बाद पिक डिसाइड करता है कि वो जेस को रॉयल कैपिटल तक पहुंचने में मदद करेगा और एक साथ हंटर्स से बचने में जेस की मदद करेगा। पर उनके लिए रॉयल कैपिटल में क्या वेट कर रहा है, मौत या जिंदगी, उनको खुद को ही नहीं पता। Well guys, देखा जाए तो इस एनिमे का प्लॉट इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन इस प्लॉट पॉइंट तक पहुंचने में और स्टोरी में इन्वॉल्व होने में तुमको बहुत पेशेंस की जरूरत है। खासकर तो पहला दो एपिसोड इतना लेंदी लगा, मैंने जस्ट पहले दो एपिसोड को झेला। उसके ऊपर से हमारे पिक प्रोटैगोनिस्ट की सुअर पना इस एनिमे को इरिटेटिंग एंड अनबियरेबल बना देता है। Oh, no! Gringe! हाँ, ये सब टैकल करके अगर तुम एपिसोड 3 तक पहुंच भी जाते हो तुम्हें प्लॉट की वजह से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, लेकिन तब आता है दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एनिमे का, जो कि है गंदा घटिया एनिमेशन। पूरे एनिमे में एक जगह पे सबसे ज्यादा हार्डकोर एक फाइट होने वाला होता है और उस फाइट का एनिमेशन मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ देखो। ये क्या है ये? ये पूरा एनिमेशन 3-4 फ्रेम के अंदर कर दिया इन्होंने। अब तो अच्छा दिखाने का कोशिश भी छोड़ दिया, ये फाइटिंग मूवमेंट्स आंखों में चुभ रहा है लिटरली। अबे साले, 3-4 फ्रेम की बात मैं बातों बातों में ऐसे ही बोल रहा था, लिटरली एक फ्रेम चिपकाने को नहीं बोल रहा था मैं। और ये एक फ्रेम मैंने एडिट नहीं किया है, ये सच में एनिमे में ऐसा ही है। वाह भोसरी वाले, वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए। अगला फैन चॉइस अवार्ड बेस्ट एनिमेशन का इसको ही मिलेगा। Oh, hell no. अपने दिल पे हाथ रख के सच्चे मन से बताना, तुमने पिक का पैर हिलते हुए देखा? सालो, बंदे की शरीर में आग लगी है, बचने की तो कोशिश करेगा, एटलीस्ट हाथ पैर तो हिलाएगा। देख के लग रहा है कि पुतले में आग लगी हो, कोई मूवमेंट ही नहीं है। देखो भाई, एनिमे में हमेशा अच्छा एनिमेशन मैटर नहीं करता, अगर स्टोरी तगड़ी हो तो खराब एनिमेशन भी लोग देख लेंगे। एनिमे में स्टोरी और एनिमेशन एक दूसरे को फुलफिल करता है, अगर स्टोरी अच्छा है एनिमेशन बुरा है तो भी लोग देखेंगे, अगर एनिमेशन बुरा है पर स्टोरी अच्छा है तो भी लोग देखेंगे। पर अगर स्टोरी का प्लॉट और कॉन्सेप्ट अच्छा हो पर पेसिंग और राइटिंग बुरा हो, उसके ऊपर से एनिमेशन और भी बुरा हो, तो ऐसा डिजास्टर क्रिएट होता है। मैं इस एनिमे को 10 में से दूंगा 6, क्योंकि इसका प्लॉट मुझे पसंद आया, नहीं तो मैं उसको 5 के ऊपर नहीं देता। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट में बताओ मुझे और किस किस एनिमे का रिव्यू करना चाहिए। और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं जल्दी नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।